गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपके सामने। मेरा नाम मोहित अय्यर है और मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है ये कंपटीशन लेवल तक है। इंग्लिश ग्रामर जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक क्लास के लिए जरूरी है। क्लास फिफ्थ से लेके ग्रेजुएशन और कितना भी आगे चले जाइए, ग्रामर तो आपका हमेशा वैसा ही रहेगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर इंग्लिश आ रहा है तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का टॉपिक चालू करते हैं। अगर जो क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मैं हेडिंग लिख देता हूं, लेकिन क्या है, मैंने जैसा आपको बताया कि ग्रामर का कोई वो नहीं होता, वो सब जगह पे वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसका वैसे नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट है। तो सबसे पहले आज जो चालू करेंगे वो मैं दो टेबल बना रहा हूं, ये पार्ट वन है, कई सारे चीजें हैं इसमें। तो जो है एडवर्ब टू का यूज, एडवर्ब टू का यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एडवर्ब टू का यूज पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे रिमूव टू। पहले तो हम इसको यूज करेंगे, यूज करना सीखेंगे कि कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कैसे इसको रिमूव करते हैं। तो ये दो टॉपिक आज के वीडियो में कवर होगा आपको। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमको पता चलता है कि ग्रामर आप देख रहे हैं और हमसे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, दोनों चीजें पढ़ते हैं बारी बारी। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए एडवर्ब टू का यूज, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता होता है, ठीक है, वो जो क्रिया की विशेषता होता है। ठीक है, ऐसे एडवर्ब को, ये टू जो है, टी डबल ओ टू जो है, ये एक एडवर्ब है, इसका यूज करना है। अब देखिए यहां में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर टी ओ टू भी होता है और टी डबल ओ टू भी होता है। तो जो टी ओ टू होता है ना वो प्रीपोजिशन होता है, और ये जो टी डबल ओ जो टू होता है ये होता है एडवर्ब। ये क्या होता है, एडवर्ब, इसी का प्रयोग करना है। करेंगे कैसे, एकदम सिंपल है। तीन तरह के क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, केवल और केवल दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आप कर देंगे जैसे पहला क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, she was so tired that she could not walk। ठीक है, अब हमको टी डबल ओ टू का यूज करना है, इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है ए टू का प्रयोग करके, इसी सेंटेंस को चेंज कर देना है। ऐसे भी होगा, चेंज इन टू एडवर्ब टू। ठीक है, इस सेंटेंस को एडवर्ब टू के फॉर्मेट में लिखना है। क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसको करते कैसे हैं। तो एकदम सिंपल सा स्टेप याद करिएगा कि ये जो सो लिखा है इसकी जगह पे टू आएगा, और जो यहां पे लिखा होता है दैट शी कुड नॉट, दैट शी कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट एक साथ पूरा का पूरा, दैट यहाँ पे ही शी इट नेम कोई भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है यहाँ, दैट यहाँ ही शी इट नेम दे वी, ये सब कुछ आ सकता है, जितने भी प्रोनाउन है सब आ सकते हैं, कुछ नाउन भी आ सकते हैं। ये पूरा का पूरा हट जाएगा, इसकी जगह पे सो की जगह पे टी डबल ओ लगाना है, इसकी जगह पे इस पूरे सेंटेंस की जगह पे टू लगाना है, छोटा टू और इसके बगल में बड़ा ओ टू।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज टू टायर्ड टू वॉक। ठीक है, ये टू लग गया, यहां टू लग गया और यही आंसर हो गया इसका। ये था टाइप वन। आशा करते हैं इसको आप टाइप वन को समझ में आ गया होगा। टाइप वन आपको समझ में आ गया, क्या करते हैं, शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक। तो यहां पे सो की जगह पे टू आ गया और दैट शी कुड नॉट की जगह पे टू आ गया, छोटा टू बड़ा टू। ठीक है, एक प्रीपोजिशन है और एक आपका एडवर्ब है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ध्यान से मेरा एग्जांपल नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आपको इसी से देखना पड़ेगा, अगला वाला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है जिसमें रिमूव टू का यूज करेंगे हम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, द न्यूज इज सो बोरिंग दैट इट कैन नॉट स्प्रेड। ठीक है, पिछली बार के जैसे ही यहां सो आया है, दैट इट कुड नॉट कैन नॉट आ गया, दैट इट कैन नॉट आ गया। ठीक है, अब ये देखिए सो है, दैट इट कैन नॉट, अब न्यूज के लिए इट का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो दैट इट कैन नॉट। ठीक है, ये पूरा का पूरा हटेगा, ये हटेगा, किस पे बदलेगा, टू में, तो क्या हो जाएगा, द न्यूज इज टू पोरिंग, इन सब की जगह पे हटेगा तो क्या आएगा, टू स्प्रेड। ठीक है, द न्यूज इज टू बोरिंग टू स्प्रेड, तो दैट इट कॉड नॉट हट गया, इसकी जगह टू लग गया, और सो हट गया, टू लग गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, ये टाइप वन के क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप टू का क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा। अभी जो बड़ा क्वेश्चन आ गया इसलिए आप ये कर दिए। ठीक है, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप टू। ठीक है, टाइप टू का क्या है कि जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। ठीक है, अब यहां पे एक्सट्रीमली आ गया, सर आपने बताया था सो को हटाएंगे टू लगाएंगे, दैट इट कैन नॉट या दैट शी कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, दैट ही शी इट नेम दे वी, ये जितने भी वर्ड है इन सबको हटाएंगे तो टू लगाएंगे। यहां पे तो ना तो सर सो दिख रहा है ना तो दैट दिख रहा है, तो हम कैसे लगाए। तो भैया इसको लगाने का तरीका यह है कि जो ये एक्सट्रीमली लिखा है ना, इसको हटा देंगे। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, शी वॉज टू, शी वॉज टू ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली हट गया, टू लग गया। ठीक है, यहां पे एक्सट्रीमली एक्सेसिवली ये शब्द जितने भी है वो सब आ जाते हैं, वो हटाएंगे और टू लगा देंगे बिना घबराए। ठीक है, एक और तरीका आता है, अगर ये एक्सट्रीमली एक्सेसिवली ये सब नहीं दिया हो तब क्या, इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता था, टाइप टू का ही दूसरा, इसी का कंफर्मेशन ऐसा दे दिया होगा, शी वॉज ब्यूटिफुल
शी वॉज ब्यूटिफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो लिखा है ना, यही बता रहा है, यही एडवर्ब दे रहा है कि बहुत ज्यादा, मतलब हमारी समय सीमाओं से भी ज्यादा वह लड़की बहुत खूबसूरत है। वह लड़की बहुत खूबसूरत है सीमाओं से भी ज्यादा, मतलब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि एक सीमा से भी ज्यादा, उस सीमा के भी पार खूबसूरत है। भाई कतई खूबसूरत है, कतई खूबसूरत है वो लड़की, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको यही शब्द है जो बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है कि वह खूबसूरत है, वह लड़की जो है खूबसूरत है। इस वर्ड को पूरा हटा देंगे तो शी वॉज टू ब्यूटीफुल लिख देंगे, ठीक है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हटा देंगे और टू ब्यूटीफुल लिख देंगे, एक ही बात है, दोनों की बातें एक ही है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, लेकिन इसी को तो हटाना है और टू लगाना है, ठीक है। तो आपको ये आधा पार्ट समझ में आ गया होगा। आइए चलिए देखते हैं रिमूव कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगाना तो सीख गए, अब हटाना है, लगाना सीख गए अब हटाना है, अब क्या है, रिमूव टू। इसके कुछ नियम, इसके कुछ नियम है, ठीक है। नियम नंबर वन, यानी कि रूल नंबर वन, ठीक है, रूल नंबर वन, ठीक है। रूल नंबर वन क्या कहता है, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो, ठीक है, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो। प्रेजेंट टेंस क्या होता है बच्चों, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सब पढ़ाया मैंने, सारा का सारा प्रेजेंट टेंस, सारा का सारा पास्ट टेंस, सारा का सारा फ्यूचर टेंस, सारा का सारा मॉडल्स, और एक एक्सरसाइज भी मैंने करवाया है, उसका एक बकायदे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अभी जाइए और उस प्लेलिस्ट को चेक करिए, चैनल का नाम आपको पता ही है जो कि है आरंभ गुरु। आप उसमें एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब नाम का, उसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल में सेट कर दीजिए। इस वीडियो पे लाइक ठोक दीजिए, डिसलाइक ठोकना है तो भी ठोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो भी हमको प्रोत्साहन मिलेगा, हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि क्या सर आपने ऐसा क्यों पढ़ाया, किसलिए पढ़ाया, हमको ये पूछना है वो पूछना है, या आपको आपस में बतियाना है तो भी आप कमेंट कर दीजिए, हमसे बतियाना है तो भी कमेंट कर दीजिए। और शेयर का एक बटन है, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए चलिए, वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस के लिए वीडियो है, वीडियो नीचे वीडियो, ठीक है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट टेंस है क्या। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो सबसे पहले जो सो है इसको चेंज कर देते हैं, जो टू है आप देखिए वहां पे सो जो है वो टू में चेंज हो रहा था, तो टू जो है वो किसमें चेंज होगा, सो में होगा, पहला बात, ठीक है, टू जो है चेंज होगा सो में। और जो छोटा वाला टू है ये किसमें चेंज होगा, देखिए टू जो है वो चेंज होगा सो में, और टू जो है वो चेंज होगा, ध्यान से सुनिएगा, दैट, ठीक है, दैट लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट को देखेंगे, क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट अगर लड़का है, सब्जेक्ट में अगर लड़के का नाम भी दे सकता है, राम, श्याम, मोहन इत्यादि कुछ भी दिया होगा तो ही का प्रयोग हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर लड़की है, लड़की है यानी कि रानी, सानी, मोहनी, सोहनी, ये सब होगा तो शी का प्रयोग हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर निर्जीव है यानी कि न्यूज है, ठीक है, ये सब है, न्यूज है, बल्ब है, ये सब जो भी निर्जीव चीजों से चालू हो रहा है तो इट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। हम लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है तो वी हो जाएगा, दे लिखा हुआ है सब्जेक्ट में तो दे हो जाएगा।
आई लिखा हुआ है तो आई हो जाएगा, ये सारी चीजें आ सकती हैं। कोई नाम ही शी इट इन वी दे आई ये सब हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती हैं। आई वी यू दे, यू लिखा होगा तो यू आ जाएगा, इन सब में चयन कर लेंगे वो लिख देंगे। दैट के बाद इन सब में से कोई एक चयन करेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, कैन नॉट, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, कैन नॉट, ठीक है। उसके बाद टू को हटाएंगे तो दैट इन सब में से कोई चयन करके कैन नॉट, और बचा हुआ टू के बाद जो लिखा होगा वो वैसे का वैसा लिखेंगे। तो ये नियम नंबर वन था, अगर यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तब ये नियम लगेगा, अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो ये नियम लगेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फटाफट लिखते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन दिया था। द न्यूज इज टू बोरिंग टू रीड, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये टू है, द न्यूज इज सो बोरिंग दैट, अब टू को हटाएंगे तो दैट, और यहां पे सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कैसा है, द न्यूज है, और वो भी निर्जीव है, निर्जीव के लिए इट का प्रयोग होगा, दैट इट कैन नॉट रीड, ठीक है, दैट इट कैन नॉट रीड, ठीक है, द न्यूज इज सो बोरिंग दैट इट कैन नॉट रीड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू को देखते हैं, राम इज टू स्मार्ट टू वर्क हार्ड, राम इज सो स्मार्ट दैट, अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, राम है, लड़के का नाम है, राम जो है लड़के का नाम है, दैट ही कैन नॉट ठीक है वर्क हार्ड, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे सो लगाया, क्या बात समझ में आई, टू को हटाएंगे सो लगाएंगे, और यहाँ पे टू को हटाएंगे दैट ही कैन नॉट, ही कैसे लगा, सब्जेक्ट को देख के लगा, ठीक है, लड़की होगा तो लड़की का नाम दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूल नंबर टू, ठीक है, रूल नंबर टू क्या कहता है, यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो तो, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, पास्ट टेंस अगर देखना है तो प्लेलिस्ट जाइए और पास्ट टेंस की वीडियो जरूर देखिए, आपको प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस सब समझ में आ जाएगा क्या चीज है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप जाके वीडियो देखिए, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है, और मॉडल्स भी, ठीक है, कैन और कुड मॉडल्स है, इसमें दोनों यूज हो रहा है, इसलिए आप जाके जरूर देखिए, तभी आपको समझ में भी आएगा, ठीक है, और वैसे भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करिए, ठीक है। पास्ट टेंस में हो तो क्या नियम होगा, तो वैसा का वैसा ही नियम रहेगा, सबसे पहले तो टू जो है वो चेंज होगा किसपे, सो में, ठीक है, दूसरा है जो छोटा टू होगा वो चेंज होगा दैट, अब जो सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी कि ही शी इट आई वी यू दे, ठीक है, इन सब में, और इधर पे आ जाएगा कुड नॉट, वहां कैन नॉट था, यहां कुड नॉट आ गया, क्योंकि पास्ट टेंस में है इसीलिए कुड नॉट है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लगा, आप इसीलिए कह रहा हूं मैं, मॉडल्स का भी आप वीडियो जरूर देखिए जाके, आपको समझ में आएगा पास्ट टेंस में क्यों हुआ, ठीक है।
इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आई वॉज टू टायर्ड टू वर्क मोर, ठीक है, मैं बहुत थक गया हूं, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं आगे काम करने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या है, आई है, तो आई वॉज पास्ट में, देखिए यहाँ पे पास्ट में, प्रेजेंट में तो आपको समझ में आ गया था, इज एम लगा हुआ था, पास्ट लगा हुआ है, तो पास्ट का नियम आई वॉज लिखा हुआ है, टू की जगह क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, टायर्ड है, और टू को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दैट, अब सब्जेक्ट देखेंगे, आई लिखा हुआ है तो आई आ जाएगा, दैट आई कुड नॉट होगा कि कैन नॉट होगा, कुड नॉट होगा, कुड नॉट वर्क मोर, ठीक है, कुड नॉट वर्क मोर, ठीक है। एक और वी वर टू बिजी टू मी, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ही बिजी हूँ मिलने के लिए, हम बहुत ज्यादा ही बिजी हैं मिलने के लिए, तो वैसे हम लोग नहीं है बिजी, आपके लिए डेली आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, और आप सब्सक्राइब करते नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ना, सब्सक्राइब करिए, हम लोग डेली आ रहे हैं तो आप भी डेली आइए हमारे चैनल में, और देखिए कि वीडियो पढ़िए कि नहीं, अगर नहीं पढ़िए तो डांटिए कि सर डालिए वीडियो, हमको जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, तो वैसे अगर बोलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, हम लोग और डालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, टू है तो यह सो हो जाएगा, तो वी वर सो बिजी, टू की जगह क्या आएगा, दैट, अब देखिए वर है ना तो यहां पास्ट टेंस है ये, तो ये पास्ट का नियम लगेगा, दैट, अब वी लिखा है तो दैट वी कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट मीट, कुड नॉट मीट, अब क्या ये सही है, अब जो जिन्होंने मेरी मॉडल वाली वीडियो देखी होगी तो वो समझ गए होंगे कि ये गलत है, ये गलत है, क्यों क्यों गलत है, क्योंकि गलत तो है नहीं, वैसे वी कुड नॉट ही होगा यहाँ पे, कुड नॉट मीट है, आपने लगा तो दिया, सही है, लेकिन एक बात याद रखिए, आपने फ्यूचर टेंस देखा होगा, अगर फ्यूचर टेंस देखा होगा तो वहां पे कॉन्सेप्ट है विल और शैल का, तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, शैली का फॉर्म होता है शुड, ठीक है, तो यहाँ पे कुड नॉट की जगह सही तरीका शुड नॉट का है, ठीक है। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, उसमें लिखा होगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको लिखा होगा, यहाँ पे लिंक मिलता हुआ मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चैनल को क्लिक करके भी प्लेलिस्ट के मोड में जाके देख सकते हैं, वहां पे पूरा अच्छे से समझाया गया है, मॉडल समझाया गया है, आप ही के लिए वीडियो बनाई है और आप ही नहीं देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, वी शुड नॉट हो जाएगा यहाँ पे, कुड नॉट लगा रहे हैं तो भी कोई गलत नहीं है, कुड नॉट लगा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, बस यहाँ सही तरीका यह है कि वी शुड नॉट मीट हो जाएगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप रूल थ्री की तरफ, जब वाक्य में टू ना दिया हो, जब वाक्य में टू ना दिया हो, यानी कि क्वेश्चन कैसा होगा, ध्यान से देखिए, शी वॉज टू ब्यूटिफुल, ठीक है, शी वॉज टू, आपको याद आ गया होगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था तो वो वापस आ गया, ठीक है, वो वापस आ गया, ठीक है, वो वापस आ गया, ठीक है, वो आ गया, देखो 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 वो आ गया, ठीक है, टू आ गया, तो इसको हटाना है, तो आपको पता है कि क्या लगा हुआ था जो ये आया था, तो बस वही याद करना है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सी वॉज सो ब्यूटीफुल,
जो अति स्मार्ट बच्चे होंगे, थोड़ा नंबर पाना चाहते होंगे या अच्छा दिखाना चाहते होंगे, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होंगे तो वो क्या लिखेंगे, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाय हाय शी वॉज ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तीन तरीका है, आपको जो पसंद आए वो बना दीजिए। शी वॉज सो ब्यूटीफुल एवरेज बात है, शी वॉज सो ब्यूटीफुल, शी वॉज टू ब्यूटीफुल, शी वॉज सो ब्यूटीफुल, शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, शी वॉज ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप ये तीनों में से कुछ भी लगा देंगे, तीनों आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, एक और टाइप बचता है, टाइप नंबर फोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। छोटा सा टॉपिक है, फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी, ठीक है, गाना नहीं गा रहा हूं मैं, कभी कभी वाक्य में, वाक्य में फॉर मी हिम हर देम, ठीक है, देम अस यू, ऐसे वर्ड आ जाते हैं, मी अस यू हिम हर देम ऐसे आ जाते हैं वर्ड। ठीक है, ऐसे वर्ड आ जाते हैं तब क्या करें, ठीक है, इनमें से कुछ भी होगा एक फॉर मी, तब क्या करेंगे, तब क्या नियम लगेगा, तो वो केवल और केवल आपको सब्जेक्ट बताने के लिए आए हुए हैं। वो क्या आए हैं, आपको सब्जेक्ट बताने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इधर पे आपको थोड़ा सा रिविजन करवा दूं, फॉर इट भी आ सकता है, ठीक है, फॉर इट नहीं आएगा, फॉर हिम आएगा, लेकिन अगर आ गया तो क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सर का वीडियो देखेंगे और हमको पता चल जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, ये वाला वीडियो देखिए आपको वो डाउट। आई का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मी का सब्जेक्ट आई होता है, अस का वी, यू का यू, दे देम का दे, हिम का ही, शी, इट का इट, ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट बताने के लिए आए हैं। ये आपको किस लिए आए हैं, सब्जेक्ट बताने के लिए, ये जो वर्ड आया है ये पूरा का पूरा हट जाएगा, ये केवल आपको ये सूचित करने आया है कि भैया यहाँ पे फॉर मी लिखा है तो ये मेरी बात हो रही है, मैं हूं मैं, हिम लिखा है तो वो है वो, वह, ये ही है, ये कौन सा बंदा है, ही, और ये हर लिखा है तो वो शी है, ये बस आपको बताने आया है कि ही है कि शी है कि आई है कि यू है कि दे है कि वी है, ये सब आपको बताने आए हैं केवल और केवल। इसका काम केवल इतना ही है, ये वाक्य में यूज नहीं होते हैं दोबारा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल और वीडियो को करते हैं समाप्त, जो कि आप चाह रहे हैं कि कर दें, सर बड़ा पका रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, पढ़ाना नहीं आता सर को, ठीक है, सर को पढ़ाना आता है, बड़ा बोर करते हैं, ठीक है, देखते हैं। द न्यूज इज, अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर वन और रूल नंबर टू तो लगेगा ही, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का नियम, पास्ट है तो पास्ट का नियम, ये दोनों के केस में आता है, प्रेजेंट के साथ भी आ जाता है, पास्ट के साथ भी आ जाता है, ये केवल इसलिए आता है कि आपको बताए, ठीक है, ये आपको बताने के लिए आता है कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, बस ये उसी को बताने के लिए आ रहा है, ये और कुछ करने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट का नियम, पास्ट में पास्ट का नियम, ठीक है। द न्यूज इज टू द न्यूज इज टू हॉट फॉर मी टू रीड, ठीक है,
द न्यूज इज टू हॉट फॉर मी टू रीड। ये फॉर मी बताने के लिए आया है कि मेरे लिए ये बड़ा हॉट न्यूज है, बहुत ही ज्यादा हॉट न्यूज है पढ़ने के लिए, ठीक है। ये जो न्यूज है ये मेरे लिए बहुत हॉट न्यूज है। पहले तो आप देखेंगे कि ये इज एम आर लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट वाला नियम, रूल नंबर वन, द न्यूज इसका इसी रहेगा, टू की जगह क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, हॉट की जगह हॉट आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। ये फॉर मी लगेगा नहीं, ये केवल आपको ये बताने आया था कि ये मेरे लिए है, इसकी जगह पे आई आएगा, वो कहां आएगा, टू को हटाएंगे। अब ध्यान से देखिए, टू को हटाएंगे तो क्या होता है, दैट। अब इसके बाद हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट देखिए, तो सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट ये बता दिया कि ये मेरे लिए है, दैट आई। अब यहां इस लगाए तो कैन नॉट का प्रयोग होगा, आई कैन नॉट रीड, द न्यूज इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट रीड, ठीक है। ये इसका तरीका है, ठीक है, ये इसका तरीका है, ठीक है। रिमूव टू, टू को हटाएंगे तो ये द न्यूज इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट रीड, ठीक है। तो फॉर मी केवल बताने आया था कि यहाँ पे आई भैया आएंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर हिम आएगा तो ही आ जाएगा, यहाँ फॉर हर आ जाएगा तो शी, फॉर देम आ जाएगा तो दे, फॉर अस आ जाएगा तो वी, फॉर यू आ जाएगा तो यू, ठीक है। ये आशा करते हैं आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। ये रहा आपका चार रूल इसके और दो रूल, तीन रूल उसके, ठीक है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उसपे एक ही रूल है, उसपे दो रूल है, इसपे चार रूल है, कुल मिला के छह रूल है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट खत्म हो गया है। अगर खत्म हो गया है और आपको समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमको प्रोत्साहन मिलेगा, जितना आप लाइक करेंगे हमको लगेगा कि और वीडियो बनाएं, जितना आप कमेंट करेंगे उतना हम बिजी रहेंगे, आपको आंसर देते रहेंगे, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे उतना हमको पता चलेगा कि कितना वीडियो हम लोग को देखा जा रहा है, कितना हमको और मेहनत करना है। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपके पढ़ाई की स्टाइल कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। यहाँ तक जिसने वीडियो देख लिया हो वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।